दीपावली में आतिशबाजी के लिए पटाखा बाजार गुलजार रहा। हालांकि इस बार पटाखों की दुकानें पिछले साल की तुलना में आधी ही लगी थी। जिला प्रशासन ने 12 स्थानों पर 359 दुकानों की स्वीकृति दी थी। आपको बता दें, दीपावली के लिए सजी पटाखे की दुकानों पर शहर के लोगों ने शनिवार को जमकर खरीदारी की। इस बार तेज आवाज की तुलना में लोग रंग बिरंगी रोशनी वाले पटाखे ज्यादा पसंद कर रहे थे। लोगों की पसंद के अनुसार ही दुकानदारों ने फुलझड़ी की अधिक वैरायटी रखी थी। इस संबंध में टाउन हॉल मैदान के दुकानदार आदित्य और सोनू ने बताया कि इको फ्रेंडली पटाखे नहीं हैं, लेकिन कुछ फुलझड़ियां ऐसी हैं जो जलने पर हरी रोशनी छोड़ेंगी। कोल्ड ड्रिंक की केन की शक्ल के अनार लोगों को खूब लुभा रहे हैं। इसके साथ ही स्काई शार्ट, सुपर स्टार रॉकेट, कोहली चॉकलेट अनार, पाँच रंग छोड़ने वाले अनार, पैराशूट फ्लावर ग्रीन अनार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा दुकानदार आदित्य और सोनू ने कहा, रात में आएंगे हम बताएंगे। अमित, अजुला रिस्पांस मिला हम लोगों को, उतना अच्छा नहीं मिल पाया जिस तरह अगले साल था। और यही है कि जो बिक गया, बाकी ऊपर वाले के दिया सब काम अच्छे से निपट जाए, सब लोगों की दिवाली मन जाए। नहीं, समय तो भरपूर मिला, लेकिन उस हिसाब से कस्टमर उतने लोग, थोड़ा वातावरण के हिसाब से भी लोग नहीं आ पाए कि ये प्रदूषित है, ये है वो है, इसलिए भी। सोनू नाम है। पटाखे की दुकान लगाई गई है इस कोरोना COVID-19 को देखते हुए। इस वक्त हम लोग का जो पटाखे का बाज़ार है बहुत धीमा है। पटाखे वालों का इस समय दिवाला निकल चुका है, ठीक है, लेकिन एक मजबूरी थी, हम लोग माल ले चुके थे, मजबूरी थी लगाना। बाकी इससे इस बार कोई प्रॉफिट नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट में पटाखा वाले चल रहे हैं। ये COVID-19 को बताई गई थी डिस्टेंसिंग करने के लिए, एक बाकी कोई तो देख ही रहे आपकी पब्लिक को जितना मना किया जा रहा, पब्लिक मान नहीं रही है।